हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो ये वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी, तब तक आप सभी ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर ली होगी। आपने कैसे मनाई, क्या क्या आप करते हो, तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करना। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी है, कान्हा जी को भी तैयार कर दिया और उन्हें फल का भोग लगा दिया। सिर्फ अन्न का भोग मैं रात को ही लगाती हूँ एक ही बार, तो पूरे दिन में फलाहार ही भोग लगाते हैं हम, तो वो मैंने लगा दिया। अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कैसे मैंने डेकोरेशन की है। तो पूरा अच्छे से अभी कम्प्लीट नहीं किया, अभी झूला लगाना भी बाकी है। तो जैसे जैसे मैं करूँगी आपके साथ मैं वीडियो में ज़रूर से शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो अभी बस 4 बज चुके हैं, तो अभी मैं भोग की तैयारी करूँगी। कुछ मीठा बनाना है ना, तो मैं अभी जो भी प्रसाद में मैं बनाती हूँ वो आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करूँगी। और हाँ, मैंने यहाँ पर ना मेहंदी भी लगाई है। वैसे तो मैं बाहर से लगवाए आती हूँ या कभी कभार घर पे भी लगा देते, तो मेरी सिस्टर ने लगाई है। तो जैसे भी हमें आती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मटकी बनाई है और यहाँ पर ये जन्माष्टमी लिखा हुआ है। पहले ना हम यहाँ पर वो बना रहे थे मोर पंख, तो वो अच्छे से बना नहीं था, तो वो थोड़ा बहुत उसका रह गया नीचे। और पीछे मैंने ऐसे राधा कृष्ण लिखा है और बांसुरी बनाई है और थोड़ी सी छोटी सी एक मटकी भी बनाई है। और यहाँ पर मैंने ये मोर मैंने खुद बनाया है, बस ये मोर मैंने बनाया और बाकी की जो मेहंदी है वो मेरी सिस्टर ने लगाई है, तो कुछ ऐसी रची है, तो थोड़ी बहुत ऐसे ही हमने लगा ली है। बाकी चलिए हम जो जो बनाती हूँ मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने ये चुन्नी से थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी है ऊपर, अभी ये कंप्लीट नहीं है, लाइट्स लगाना भी इसमें बाकी है। और यहाँ पर मैं झूला हैंग करने वाली हूँ इधर दीवार इस पे गेट पे, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको एक लुक तब पे दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर बस मैंने इतना ही किया है और ये कान्हा जी को मैंने तैयार कर दिया है। और इस बार हम कान्हा जी का ये वाला सिंहासन लेकर आए हैं और फ्रूट्स का मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया है, तो कुछ ऐसी मैंने अभी थोड़ी बहुत डेकोरेशन करिए। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और भोग की तैयारी कर लेते हैं। जो भी प्रसाद में मैं बनाने वाली हूँ ना मीठे में, वो मैं अभी बनाना शुरू कर दूँगी। और आज मेरी सिस्टर ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, तो मैं यहाँ पर पंचमेवा पाक बना रही हूँ। तो यहाँ पर सूखा गोला मैंने लिया है नारियल, उसको मैं मिक्सी में ग्रेट करने वाली हूँ। वैसे तो इसको कद्दूकस से भी ग्रेट किया जाता है, पर मैं मिक्सी में ना पल्स मोड कर इसको पीस लेती हूँ, तो काम थोड़ा सा जल्दी और आसानी से हो जाता है। एकदम मिक्सी में चलानी है, उससे मिक्सी पर जोर पड़ता है तो मिक्सी ख़राब हो सकती है। वैसे तो आप सबने जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर ही ली होगी, खूब सारी चीज़ें आपने भोग प्रसाद के लिए बनाई होगी, पर मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से कल कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, वो मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में देसी घी ऐड करा, ये घर का बना हुआ ही देसी घी है, तो ना मैंने जन्माष्टमी से पहले ही ये थोड़ा सा स्टोर करके रखा हुआ था, साफ़ घी अलग से निकाल के रखा हुआ था स्पेशल जन्माष्टमी के लिए ही, क्योंकि मैं हर साल मिठाइयाँ बनाती हूँ ना तो घी तो लगता ही है, इसलिए मैं पहले ही उसको अलग से बना करके साफ़ निकाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गूंद थोड़ी सी फ्राई करी है, जो हम गूंद के लड्डू बनाते हैं ना वो मैंने थोड़ी सी फ्राई कर ली है। थोड़े से काजू, यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रही हूँ, काजू बादाम, थोड़े थोड़े घी में ऐड करते जाएंगे और उनको भूनते जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी बना रही हूँ, काफ़ी सारी मिठाइयाँ बन रही है तो इलायची का पाउडर तो यूज़ होगा ही, तो थोड़ा बहुत मैं इलायची का पाउडर भी बना रही हूँ। और साइड में मैं यहाँ पर चाशनी बना रही हूँ, तो 1 से 1.5 तार की चाशनी यहाँ पर मेरे को चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी किशमिश कट करके ऐसे डाल दिए, और जो हमने नारियल रखा था ना मिक्सी में ग्रेट करके, वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब गैस की फ्लेम बंद रख दी है मैंने, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है इस टाइम पर, उतने में ही ये अच्छे से भून जाएगा। पंचमेवा पाग होता है तो 5-6 तरह के मेवे इसमें जाते हैं, आप चाहो तो मखाने भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो बस यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने भून करके रखे थे वो सब मिक्सी में पल्स मोड में मैंने एक बार पीस लिए हैं। ज़्यादा इनको पीसना नहीं है, बारीक हल्का सा दरदरा रहना चाहिए, बस कढ़ाई में ये डाल दिया। और चाशनी जब 1 से 1.5 तार की हो जाए ना फिर इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है अभी गैस की फ्लेम अब ऑन करनी है, जब हमने बंद कर दी थी किशमिश ऐड करी थी, अब ऑन करके इसको थोड़ा सा भूनना है जब तक ऐसे कुछ कंसिस्टेंसी आपको ठीक हो जाएगी ना, तब तक मैंने इसको भून लिया था। बस अब इसको कढ़ाई में जमने के लिए रखना है।
तो अभी बस मैंने थोड़ा सा ना प्लेट पर घी लगा के रखा हुआ है, और इसके ऊपर जो हमारा मिक्स है ना ड्राई फ्रूट का, वो सारा ऐड करके मैं इसको ना बिल्कुल स्पैचुला से प्रेस कर दूँगी। और बाद में ना बहुत ही जल्दी ये सेट होता है, 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसमें कट्स लगा दिए थे। अगर इसको टाइम पे छोड़ दो ना, कट्स लगाना भूल जाओ, तो ये बाद में बड़ी मुश्किल से कटता है, तो पहले ही मैंने इसमें कट्स लगा के रख दिए थे। अभी ये काफ़ी गर्म है तो मैं इसको साइड में रखती हूँ, और 10-15 मिनट बाद मैंने इसमें कट लगा दिए थे। तो हमारा यहाँ पर पंचमेवा पाक बन के रेडी है। अब मैं यहाँ पर सेवइयों की खीर बना रही हूँ। हर जन्माष्टमी पर ना मैं सेवई की खीर ही बनाती हूँ। तो ये रेडीमेड वर्मिसली मैंने ले ली है, आधी कटोरी से थोड़ी सी ऊपर मैंने ली थी, और थोड़े से ही घी में मैंने इनको फ्राई कर लिया है, और बस उस साइड दूध भी बॉयल हो रहा है, तो उसमें डाल करके ये आराम से बनती रहेगी। तो दो रेसिपी तो हमारी यहाँ पर डन होती है। तो थर्ड की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर बना रही थी पंजीरी, तो यहाँ पर ना आटे और धनिए की पंजीरी मैं बनाती हूँ। हर साल ना यही मिठाइयाँ मैं बनाती हूँ, पंचमेवा पाक होता है, पंजीरी होती है, सेवइयों की खीर होती है, तो ये तीन तो बनती ही बनती हैं। इसके साथ ना एडिशन में मैं कुछ भी बना देती हूँ, कभी पेड़े हो गए, इस बार मैंने पेड़े बनाए थे, जो मथुरा में फेमस पेड़े हैं ना वो मैंने बनाए थे, और लास्ट टाइम मैंने मिल्क पाउडर के जो मलाई लड्डू होते हैं ना वो बनाए थे। तो अभी यहाँ पर आटा अच्छे से भून लिया है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट ऐड करे हैं, काजू बादाम मखाने और किशमिश ऐड करे हैं, धनिया पाउडर भी मैंने ऐड करा था 1 से 1.5 चम्मच, और फिर बस इसको अच्छे से भूनने के बाद ना इसमें पाउडर शुगर ऐड करनी है, और खीर भी मेरी बन के रेडी होगी थी। चलिए मैं आपके साथ ना मथुरा के जो फेमस पेड़े हैं ना, ये ना बाकी बिहारी जी के मंदिर के पास भी मिलते हैं, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करा है, 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करा है, और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं उसको भून रही हूँ, क्योंकि ना ये कढ़ाई में चिपकता है, तो फ्लेम लो ही रखनी है। और आपको डरना नहीं, अगर आप बनाते हो ना तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बीच में चिपकता ही है बॉटम में, क्योंकि मिल्क पाउडर में शुगर होती है ना, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको चिपकने दो तो, और आप आराम से उतारते जाना। फिर यहाँ पर ये जब कुछ ऐसा भून जाए ना हल्का हल्का ब्राउन, तो इसके अंदर मैंने इसके अंदर 1/2 कप तक दूध डाला था, तो फिर दूध डालने के बाद उनको थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने 2 चम्मच दूध और ऐड करा है, घी डाल करके इसकी अच्छे से भुनाई मैंने कर ली है। कुछ ऐसा कलर आपके पेड़े के जो मिक्स पे आ जाए ना, फिर गैस की फ्लेम बंद कर देना, इसको ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद इसमें पाउडर शुगर मैंने ऐड करी है, चीनी इसमें कम ही डालना, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, पाउडर शुगर हम ऐड करें, और ऊपर से भी हम इसको पाउडर शुगर से ही कोट करने वाले हैं, तो चीनी का आप ध्यान रखना, कम यूज़ करना, अपने स्वाद के अनुसार डालना। तो यहाँ पर मैंने आराम से बैठ गई हूँ, पेड़े बनाने में लड्डू बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आराम से बैठ करके मैं यहाँ पर बना रही हूँ, और ऊपर से ना मैं पाउडर शुगर से कोट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिठाइयाँ सारी बना दी थी जितनी मुझे चाहिए थी, और बाहर ना अंधेरा हो गया था, तो इस टाइम पर ना मैं कान्हा जी को सुला देती हूँ, क्योंकि रात को हम 12 बजे जन्म कराते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में थोड़े से फूल भी छा करके साइड में खीरा रखा, और कान्हा जी को सुला दिया, फूलों से ही ढक देंगे, और ऊपर से ना एक लाल कपड़े से या लाल चुनरी से ढकते हैं, तो वो मैंने ढक सुला करके अभी कान्हा जी को छोड़ दिया, बाद में मैं इनको 12 बजे जैसे जन्म कराएंगे। और डिनर में यहाँ पर मैं दम आलू बना रही हूँ, कुकर में बन रहा था मटर पनीर, और फिर पेठा भी बनाने वाली हूँ। हाय एवरीवन, तो अभी बस रात के 11 बज चुके हैं, और मैंने अभी शावर लिया, मैं तैयार हो चुकी हूँ। जब भी हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं ना, तो उससे पहले रात को ना एक बार नहाना होता है, तो 12 बजे हम अभिषेक करेंगे, तो उससे पहले मैं आधे घंटे पहले मैंने शावर ले लेती हूँ। तो अभी सारा खाना बन के रेडी है, डिनर भी मैंने बना दिया है, और जो जितनी भी मिठाइयाँ थी ना वो भी सब कुछ बन गया, बस अभी मुझे पंचामृत बनाना है और सारा काम हो गया है। तो जैसे जैसे हम आगे अभिषेक करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सब्जियाँ बनाई है। तो यहाँ पर हमारे दम आलू बन के रेडी है, तो सारा खाना बिना लहसुन प्याज का ही आज के दिन बनता है, तो दम आलू भी नो अनियन नो गार्लिक है। अभी ये थोड़े से ना थिक हो गया, क्योंकि बने हुए आधा पौना घंटा हो गया, गर्म करेंगे तो सही कंसिस्टेंसी पे आ जाएंगे। यहाँ पर कुकर में खट्टा मीठा कद्दू मैंने बनाया, जो हरे कलर का आता है ना छोटा सा, वो मैंने बनाया है कुकर में, बस थोड़ा सा पानी है, ये हल्का सा सूख जाएगा, फिर हमारा कद्दू भी रेडी, और यहाँ पर मटर पनीर भी रेडी है। तो यही कुछ डिनर में था, और पूड़ी हम बनाने वाले हैं, हर साल जन्माष्टमी पर पूड़ी ही हम बनाते हैं, तो वो रात को बनेंगी। अभी यहाँ पर मिठाई में पंजीरी भी रेडी है, और सेवइयाँ हैं,
पंचमेवा पाग है उसकी भी मैंने कटिंग कर ली थी, और हमारे मथुरा के फेमस पेड़े हैं। तो यहाँ पर बस अब 12:15 कुछ हो रहे थे, तो मैं भूख की थाली लगा कर रख रही हूँ, और सब में ना तुलसी का पत्ता भी हम ऐड करते हैं। जो भी खाना हम बनाते हैं तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर से ऐड किया जाता है जब कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तो 12 बजने के बाद ही मैं कृष्ण जन्म कराऊंगी, तो मैं जो भी मुझे सामान चाहिए ना तो वो मैं यहाँ पर अपने पास रख रही हूँ। और 12 बज चुके हैं, अभी मैं बस कृष्ण का जन्म करा रही हूँ हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल का। और खीरा जो मैंने साथ में रखा था ना उसको सिक्के से ऊपर से कट किया जाता है, तो हमेशा से मैं ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाती आ रही हूँ अपने घर में। कुछ 4-5 साल से हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं ही हर साल मनाती हूँ कृष्ण जन्माष्टमी। और जैसे मैं सेलिब्रेट करती हूँ मैं आपके साथ इस वीडियो में वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि पूजा पाठ का ना सबका अपना अपना तरीका होता है, बस भाव देखा जाता है कि मन के भाव अच्छे होने चाहिए। तो उसके बाद हमने कृष्ण जी का अभिषेक कराया पंचामृत से, तो बस आप ये क्लिप्स इंजॉय करिए। तो हमने यहाँ पर कान्हा जी का पंचामृत से अभिषेक भी कर लिया है, बस अब झूले में झुलाएंगे। और सबसे पहले ना मैं कान्हा जी को थोड़ा सा शहद खिलाती हूँ, तो उसके बाद हम भोग लगाएंगे। और ऐसे कुछ हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी। आपने क्या क्या किया, कैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, आप मेरे साथ ज़रूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करना।